हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में नोअर प्रिंस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैनल है वीकली करंट अफेयर एनालिसिस आपको हर हफ्ते के एंड में प्रोवाइड करता है। फ्रेंड जी हां, ये एक हफ्ते में आपका जो जितना भी करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस है या PSUs के एग्जामिनेशंस है, करंट अफेयर एक प्रकार का इंडेसिबल पार्ट बन चुका है। फ्रेंड आजकल का हर एक एग्जाम में लगभग लगभग अच्छा खासा पोर्शन इससे पूछा जाता है। फ्रेंड तो हमारा ये चैनल है आपको हर हफ्ते लास्ट में वीकेंड में आपको ये प्रोवाइड करता है। फ्रेंड इसमें हम लोग द हिंदू के जो बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस और तमाम जो बाकी खबरें जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड तो इसी के साथ फ्रेंड चलिए आज हम लोग अपना इसी को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि आज आपका अपना कोट ऑफ द डे क्या है। फ्रेंड जी हाँ, फ्रेंड जो कोट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जी हाँ, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी हाँ फ्रेंड, इसको हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि अगर आपकी निंदा हो रही है, आपको अगर अपोज किया जा रहा है, आपके विरुद्ध में कुछ बोला जा रहा है, आपका विरोध किया जा रहा है, तो यानी समझ लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो करता है फ्रेंड उसी का विरोध होता है, जो करता ही नहीं तो उसका विरोध कैसे कोई करेगा। तो जी हाँ फ्रेंड, ये आपको ध्यान में रखनी वाली बात है, कभी भी अपने अपोजिशन को साथ में लेके चलना चाहिए, हमेशा अपने साथ में रखिए, क्योंकि वो हम आपकी कमियां को हमेशा आपको पिंच करके बताते रहेंगे। फ्रेंड तो इसी के साथ फ्रेंड चलिए हमारे इस वीडियो के एनालिसिस को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अपने चैनल नोअर प्रिंस को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जहां भी दिखे आपको एक सब्सक्राइब का रेड बटन दिखेगा, आपको उसको सिंपली दबा के रखना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखना है। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको करंटली टाइम टू टाइम आपको वीकली आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। हमारे जो टीम है वो सोच रही है कि अब सैटरडे संडे दोनों दिन आपको एक एक घंटे का या फिर 45 मिनट का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपको नॉलेज को इन्हेंस करने में और एग्जाम क्रैक करने में आपको ज़्यादा मदद होगी। फ्रेंड चलिए फ्रेंड स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख रहे हैं इस्तांबुल अभियान जो हमारा है, ये 27 जुलाई 2020 का है और इसमें हम लोग न्यायालय का भी अवमानना और फिर इसके बाद आपको सशस्त्र ड्रोनों की बिक्री पर अमेरिकी नियमों में ढील, हम लोग याद रखिए ये हम लोग वही देखेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, उसको आप स्क्रीनशॉट भी आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। तो ये सब है, फिर कारगिल विजय दिवस, फिर नाग नदी के बारे में जानेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड, मैंने कुछ कुछ आपको चीज़ें बताई हैं जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, मैं इसको आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर आपको राजस्थान के बारे में आपको पता होगा, फिर क्या किफ़ायती ये नहीं देखेंगे, फिर उसके बाद वैश्विक वन FRA की रिपोर्ट आई है, फिर ड्रोन का जो अमेरिका का जो नियम है, ये सब पढ़ने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड, फिर आगे हम लोग देखेंगे कारगिल विजय दिवस और नाग नदी, जो कि बहुत इंस्टा फैक्ट के रूप में आपको बताई जाएंगी। इसमें मैं आपको इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इसको आपको मैं सरल भाषा में बताता हूँ। कारगिल इस्तांबुल कन्वेंशन ऐसा फ्रेंड है कि जैसे जिसमें पोलैंड जो है इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय लिया, जहाँ जी हाँ फ्रेंड, यूरोप का एक देश पोलैंड है जो कि इस्तांबुल कन्वेंशन जो कि उससे अलग हो गया है। उसके मतलब कि पोलैंड ये क्यों चर्चा का विषय है, क्योंकि ये जो था, जो ये इस्तांबुल कन्वेंशन है, ये जो वुमेन पे यानी जो महिलाओं पे और जो लड़कियों पे अत्याचार होने वाले कन्वेंशन का मतलब एक प्रकार से संगठन था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें कि इसको क्या किया गया है कि अलग कर दिया गया है, जिसमें इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इसको भी इसका ये भी नाम है। ये क्यों चर्चा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकता है, लिख रहा है कि इसे ब्लैक अंडरलाइन में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कूलों में लैंगिक विषमता के बारे में पढ़ाने का अनिवार्य किया गया है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस, सोशल डिफरेंस जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो अब इसके अंतर्गत जो भी स्कूल कॉलेज हैं, जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेटेड है, उसको क्या किया गया है कि स्कूल कॉलेज में भी इसको पढ़ाने का निर्णय लिया गया, जो कि पोलैंड की सरकार को मंजूर नहीं है। इसी कारण से ये कुछ कुछ और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कारण, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इसका जो आपको
इसमें कितने सदस्य हैं और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो आप देख सकते हैं मार्च 2019 तक इस संधि में 45 देशों तथा यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और फिर इसमें 7 अप्रैल 2011 को यूरोपीय परिषद में कमिटी ऑफ मिनिस्टर द्वारा इसे अपनाया गया था। तो यानी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इसमें अभी तक कितने देश शामिल हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। फिर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस्तानबुल कॉन्वेंशन से अभी हाल ही में किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको पूछेंगे कि इसमें कितने देशों के सदस्य हैं, यूरोपीय बहुत सारे, फिर इसका मतलब कि इसमें कितने सारे कमिटी और इसे कब अपनाया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं 7 अप्रैल 2011 को इसे अपनाया गया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिलिम्स लिंक में है, ये कब हस्ताक्षरित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय परिषद क्या है, जो कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको चाहिए कि इसके नोट्स बना के आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर आपको इसको गूगल कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, फिर अगला है फ्रेंड न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक प्रकार से ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जब अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यानी इंडियन सिटीजनशिप में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं हिंदुस्तान में, अगर आप उसकी अवमानना करते हैं तो उस पर कोर्ट को पूर्ण अधिकार है कि वो आपको दंडित करेगी। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जो हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्लस बहुत बड़े वकील भी हैं, वो प्रशांत भूषण, जो कि उनके द्वारा कुछ कुछ ऐसे ट्विटर या सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ कुछ ऐसे नोटिस आए गए थे जिसके कारण से कोर्ट उनमें उसको बताया गया है। तो ये आप यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत तरह की अवमाननाएं होती है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत उनको पे चार्ज किया गया है। अनुच्छेद 1129 और 215 में, और फिर उसमें 1971 के अवमानना अधिनियम की धारा 10, इसमें बहुत सारे चीज़ों को बताया गया है जो कि हम लोग ऑलरेडी उसको बता चुके हैं कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आपको ऑलरेडी बता चुका है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी फ्रेंड। फिर हम लोग देखेंगे राजस्थान की राजनीतिक संकट और राज्यपाल की शक्तियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलिटिक्स पे ये एक चैनल नहीं जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आपकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पर ये चलेगा। जी हाँ, इसमें आपको इंपॉर्टेंट है राज्यपाल की शक्तियाँ के, तो राज्यपाल के किन किन क्या क्या शक्तियाँ हैं जो कि अभी इसमें कुछ सिनेरियो पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी राजस्थान में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसके कारण से, तो आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कि राज्यपाल के क्या क्या शक्तियाँ हैं, यहाँ पर आपको ये सब पूछेंगे। क्वेश्चन से यहाँ पे बन सकते हैं, मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियाँ क्या क्या है, राज्यपाल के कार्यकाल कितने तरह के होते हैं, तो आपको राज्यपाल के कार्यकाल 5 से 6 वर्ष 5 साल ऐसे होती है, ऐसे इसको विशेष रूप से अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसको 6 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। फिर अनुच्छेद 163 में क्या लिखा है आप इसको भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्रेंड स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। एक प्रकार का हमारा जो इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि ये क्या है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इसको आप स्वयं निधि के अंतर्गत बताया जा रहा है। इसके बारे में ये क्या है तो आप इसमें देख सकते हैं, नवम्बर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किफ़ायती और मध्यम आय निवासों के लिए स्पेशल विंडो को स्थापित करने की प्रस्ताव मंजूरी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि जो भी मध्यम वर्गीय हैं, जिनका अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, इसके इस फंड के अंदर से सरकार का जो फंड है इसके अंतर्गत आपको उस वापसी या इन्वेस्टमेंट फंड में आपको पैसे मिल सकते हैं जिसमें कि आपका भला हो सके। फिर इसमें क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इनमें कौन निवेश करता है, इसका क्या उपयोग किया जाएगा, इसमें वैकल्पिक प्रश्न और भी से पूछे जा सकते हैं फ्रेंड। तो इसमें चलिए अब अगला है यूएस रिलैक्सेस रूल्स ऑन सेल्स ऑफ आर्म्ड ड्रोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो कि सशस्त्र यानी जो आर्म्ड जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स वही जो इक्विपमेंट्स जो कि हवा में आपने शायद मूवीज़ में भी बहुत सारा देखा होगा, एक प्रकार का इक्विपमेंट होता है, कि अब उसमें क्या हो गया कि जिसमें जो प्रतिबंध अमेरिका लगाया गया था सिक्योरिटी रीजंस के कारण, उसको क्या किया गया है कि अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है ताकि अमेरिका इसको आपसी अपने पड़ोसी देशों में इसको सेल कर सके और इसमें
क्या क्या जो चीज़ें हैं इसमें निर्यात कर सके, इसका जल्दी से इसको डोमेस्टिकेशन को बढ़ावा दे सके फ्रेंड। जी हाँ, इसमें फिर इसमें प्रतिबंध में क्या क्या है, ये प्रतिबंध MQ-9 रीपर और RQ ग्लोबल हॉक, ये सब ड्रोन के नाम है जो कि आपको देखेंगे। और इसमें प्रभाव इसमें देख सकते हैं, अब तक मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम के अंतर्गत अमेरिका ने कई देशों द्वारा 300 किलोग्राम के और 500 किलोग्राम के पेलोड में अधिकतम दूरी तक कैटेगरी फर्स्ट में प्रणालियों की मांग पर रोक लगाई हुई थी, जो कि अब इसको हटा दिया है। तो इसमें आपसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें अमेरिका किस चीज़ में प्रतिबंध को हटाया है, कौन से ड्रोन के कैटेगरी में हटाया है, तो आप बता सकते हैं 300 से 500 किलोग्राम के जो अधिक पेलोड के जो ड्रोन्स थे उनकी जो था उनका जो उनका जो लगाया गया था उसको वापस कर लिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, फिर भारत और MTCR का आप यहाँ से फुल फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, भारत को 26 जून 2016 को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR में 35वें पूर्ण सदस्यों की मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें पूछेंगे कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपसे पूछेंगे कि भारत के MTCR का कितनामा अध्यक्ष है, मतलब कितनामा सदस्य है, सॉरी फ्रेंड अध्यक्ष बोला गया, सदस्य है, तो ये आप में इसमें बताएंगे आपको 35वें है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चाइना है वो MTCR का सदस्य नहीं है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जामिनेशंस में, तो आपको इम्पॉर्टेंट रूप से ये ध्यान देना चाहिए। फिर अगला है कि जी हाँ फ्रेंड, ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट, ये बहुत ही एक प्रकार का रिपोर्ट है जो कि आपके एग्जामिनेशन, जो आपका बैंकिंग का एग्जामिनेशन है और जो फॉरेस्ट का जो आपका एग्जामिनेशन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पूछा जा सकता है, या जो आपका स्टेट जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यों की 2020 की रिपोर्ट जारी की गई है, इसको अंग्रेजी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये और ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA इसको इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे। तो आपसे पूछेंगे कि फुल फॉर्म FRA की क्या होती है, आप इसमें इसको बता सकते हैं, इसमें इसके बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ष 1990 में इसमें 5 वर्ष तक के व्यापक आकलन करता है, ये वर्ष 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। FRA 2020 के अनुसार 2010-20 में दौरान वन्य क्षेत्र यानी जंगल के क्षेत्रों पर सर्वाधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ यानी एवरेज एनुअल नेट ग्रेन्स यानी कि एवरेज जो एनुअली जो नेट ग्रेन्स है जंगलों का यानी वनों का, उसमें जो शामिल 10 देश हैं आप यहाँ से उसकी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें चीन टॉप पर है, आपको ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर है, ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है। इसमें फ्रेंड आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जब कोई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सबसे लास्ट पॉइंट आप देखिए, भारत द्वारा विश्व में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार उत्पन्न किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वन के इलानी यानी जंगलों के इलाकों में जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के होते हैं, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार जंगल के क्षेत्र में भारत में दिए गए हैं। जी हाँ, जिसमें विश्व स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे, इसमें 6.2 मिलियन अर्थात लगभग 50% इंडिया में है। जी हाँ फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, आपको इसमें इसको याद रखना है। इसमें क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं कि इसे कब जारी किया जाता है, तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसे जारी किया जा सकता है। और फिर FRA की को कौन जारी करता है, जैसे कि मैंने बताया FAO, जैसे कि आप ऊपर में भी देख सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कारगिल विजय दिवस आप यहाँ से देख सकते हैं, 26 जुलाई 1999 को फ्रेंड हमारा जो देश था हिंदुस्तान, जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों के दांत खट्टे कर दिए थे, उसी में हमारे भी बहुत सारे सैनिक शहीद हुए थे उसी, और 26 जुलाई को अंततः हमने जीत प्राप्त की थी। तो इसका जो वर्षगांठ है जो इस बार मनाया गया है, जो कि 26 जुलाई अभी कल जो गया था उसका है। फिर इसके बाद है भारत पर, इसमें क्या हुआ था कि जो शिमला समझौता था उसको क्या कहते हैं, उसमें बताया गया था शिमला समझौता में उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था कि बॉर्डर इलाके में कोई भी संघर्ष नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ जिसमें भारत
बहुत ही बेजोड़ तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसमें कि उनके बहुत सारे सैनिक, और फिर वो उनको हर हाल में अंतिम में सरेंडर करना पड़ गया था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल अदा किए थे वो भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला है नाग नदी, ये क्यों चर्चा में है। जी हाँ फ्रेंड, इसको कोई भी रिवर अगर आपको न्यूज़ में आ रहा है तो उसके सबसे पहले आप पता लगाइए कि वो क्यों चर्चा में है और क्यों इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये नाग नदी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से होकर बहने वाली नदी है। इसी के नाम पर नागपुर शहर जो महाराष्ट्र में है उसका नाम पड़ा है। नाग नदी का जो उद्गम है वाडी के पास लावा पहाड़ियों से होता है तथा ये कन्हान पेंच नदी तंत्र यानी कन्हान पेंच रिवर सिस्टम का भाग है। ये क्यों चर्चा में है, इसमें आप देख सकते हैं कि हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय में नाग नदी की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नाग नदी को शापग्रस्त महिला में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ फ्रेंड इसमें बताया गया है जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि नागपुर और महाराष्ट्र के इलाके में हो रही है, जिसके कारण से नदियाँ एकदम सिकुड़ सी गई हैं, जिसको एक शापग्रस्त महिला से कोर्ट इसको टिप्पणी किया है। तो आपसे ये पूछेंगे कि नाग नदी कहाँ है। देखिए आपको एग्जाम में ये पूछना चाहिए, करंट अफेयर कैसे पूछा जाता है, करंट अफेयर जब का प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल नाग नदी के बारे में बताया गया, उसमें बताया ना कि नाग नदी है, तो नाग ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेंगे जो कि करंट में है उसकी हिस्ट्री को आपको पूछते हैं, तो वही आपका हिस्ट्री का पोर्शन वहीं से कंप्लीट होगा जो जीएस का और जीके का पोर्शन है, और आपका करंट अफेयर्स भी आजकल के वैसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। यहाँ फ्रेंड ये है अब 28 जुलाई के जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। जी हाँ, इसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या है इम्पॉर्टेंट। जो आपका हरिकेन आया हुआ है जो टेक्सास अमेरिका में है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्नत भारत अभियान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर महामारी के दौरान जो स्पाईवेयर और स्टार्टिकर की जो खरीद बिक्री है उतनी क्यों बढ़ गई है, जो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको इसके बाद प्रारंभिक जो परीक्षाएं हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको यहां से ब्लू पॉपी के ये सारे आपको जो भी हैं इस छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में आपके पूछे जाएंगे, और आपके सारे एग्जामिनेशंस में इससे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये सारे पाँचों टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, तो चलिए फ्रेंड इसको भी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हरिकेन हाना, यह जी हाँ फ्रेंड जो हरिकेन है जो टेक्सास में हिट किया है अमेरिका को, उसका नाम हाना है। तो आपसे क्वेश्चन में सबसे पहला पूछा जाएगा कि हाना हरिकेन अभी किस देश में आया है और कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी, इस पर टिप्पणी कीजिए। कुछ क्वेश्चन आपके लिखित परीक्षाओं में और मौखिक परीक्षाओं में या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के परीक्षाएँ होंगी उसमें पूछेंगे, तो इसको चलिए जान लेते हैं। इससे सबसे पहले देखा बता रहा है कि फ्रेंड अटलांटिक महासागर जो कि अमेरिका के पास है उसमें उत्पन्न इस वर्ष के पहले हरिकेन हन्ना ने अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी भूस्खलन किया है, यानी उसको बहुत तबाही मचाई है वहाँ पे फ्रेंड, जिसमें आपको देख सकते हैं हरिकेन द्वारा दक्षिणी टेक्सास यानी उत्तरी पूर्वी मैक्सिको उसका पड़ोसी देश है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का। आप चाहे तो वर्ल्ड मैप देख सकते हैं इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए, और इसको नोट भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये कि हरिकेन क्या होता है, हरिकेन सिंपली एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस के कारण पैदा होता है, जो कि जैसे कि आपका साइक्लोन होता है, हरिकेन और साइक्लोन सेम चीज़ होता है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे भी देश में अभी ईस्टर्न साइड में यानी आपका बे ऑफ बंगाल में भी हर साइक्लोन आया, और इस बार का तकरीबन सौ साल के बाद आपका वेस्टर्न यानी अरब सागर में भी तूफान आया था, जो कि चक्रवाती तूफान जिसको आप लोग बोल सकते हैं। उसकी नाम क्या है, आप दोनों के नाम क्या है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं फ्रेंड। इसके बाद चलिए इसके बारे में क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड जैसा कि आप देखते हैं कि जहाँ से विंड जब क्या होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का सिचुएशन क्रिएट होता है, कि अगर कोई एरिया में अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर तब क्रिएट होगा जब एक बहुत ही हीट अगर कोई एरिया में ज़्यादा अमाउंट में पड़ेगी, वहाँ की जो हवाएँ होती है क्या होती है कि ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण से उस जो एयर गैप होता है उसको भरने के लिए
लिए जो अगल बगल के जो हवाएं आती हैं वो बहुत स्पीड हो जाते हैं, उनका जो वेग होता है, गति होती है, बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है कि एक प्रकार से घुमावदार हरिकेन बन जाता है। उसी को हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, सब कुछ उसी को कहा जाता है। बस डिफरेंस यही रखना है कि आपको किस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में उसके अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। वो अभी मैं आपको फोटो के माध्यम से भी इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो इसके इसी कारण अगर ये समुद्र के इलाकों में होती है, और याद रखिए कि जो साइक्लोन होता है अधिकतर आपका समुद्र वगैरह में आता है, जो समुद्र और जो महासागर के क्षेत्र में अगर उसको आते हैं तो इसको चक्रवात वगैरह बोलते हैं। अगर यही ज़मीन पे आता है तो आप इसको टोर्नेडो यानी हिंदी में बवंडर बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में और डिजास्टर मैनेजमेंट में आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी कौन सा तूफान किस क्षेत्र में क्या नाम से जाना गया और किस क्षेत्र को अफेक्ट किया यानी प्रभावित किया। इसमें हरिकेन के भाग आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो इस पिक्चर के माध्यम से दिखा सकता हूं। जी हाँ फ्रेंड, ये देख सकते हैं एक प्रकार से गोल गोल आपका घुमावदार क्या होता है वहां पर एक प्रकार से सर्कमफेरेंस टाइप का बन जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी आँख है जो सबसे बीच का इलाका होता है। ये बहुत ही शांत होता है। अगर किसी समुद्र के बीच में अगर मान लीजिए नाव फंस जाएगी तो यहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जी हाँ, लेकिन आपको जिसका आई वॉल है वो बहुत ही स्पीड में घूमता है। इसका जो तकरीबन जो एयर का स्पीड होता है, वेलोसिटी होती है, वो 120 से 150 के बीच में होती है। तो आप समझ सकते हैं कितना भयावह तूफान हो सकता है। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है रेन बैंड, जो आप यहां देख सकते हैं, यहां से क्या होती है जो अगर ये कोई समुद्र को अगर कोई इलाके को हिट करती है तो वहाँ पर सबसे पहले बहुत ही मॉइस्चर लेके जाएगी और उसको बहुत ही तरीके से उसको वहाँ पे वर्षा होती है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट रखना है, आपको ये पूछेंगे फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हरिकेन बोला जाता है। पैसिफिक ओशियन के साइड आप लेफ्ट में देख सकते हैं, ब्राज़ील के पास, अमेरिका और मैक्सिको के पास, जो कि आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, हरिकेन आपको अटलांटिक महासागर में पूछा जाएगा, बताया जाता है जो कि आपको पूछा, जैसे कि हन्ना हरिकेन अभी आया है जो इसी क्षेत्र में अभी आना है। साइक्लोन आपका देख सकते हैं एशिया के नीचे है, जो कि इंडियन ओशियंस में साइक्लोन उसको बोला जाता है, और फिर भी पैसिफिक ओशियन में जो कि साउथ चाइना सी और जो भी ऑस्ट्रेलिया के जो राइट साइड में है यानी जो ईस्टर्न साइड में है उसको टाइफून बोला जाता है। सब कुछ सेम होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हरिकेन, साइक्लोन एंड टाइफून्स आर ऑल द सेम वेदर फेनोमेना, वी जस्ट यूज डिफरेंट नेम फॉर दीज स्टॉर्म इन डिफरेंट प्लेसेस। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे अभी फ्यूचर में कभी भी इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आप जरूर इससे इसको आपको ध्यान में होगा। जी हाँ फ्रेंड, अगला है जैसा कि हमने डिस्कस किया था उन्नत भारत अभियान। जी हाँ फ्रेंड, एक प्रकार का हाल ही में इसको ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। उन्नत भारत अभियान में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए कि उन्नत भारत अभियान किस दो संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपको ट्राइफेड, जैसे ट्राइफेड का आप देख सकते हैं फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और आईआईटी दिल्ली का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और रिसर्च फाउंडेशन भी है इंडिया का है। इसमें इसको लॉन्च किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये मानव संसाधन MHRD के द्वारा बताया गया है। इसमें आपका इसका मेन मोटो यही है इन शॉर्ट में कि आपको हर जो भी हायर एजुकेशन एरिया है, जहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी हायर एजुकेशन इलाका है जो वहाँ पे हायर अथॉरिटीज़ के कॉलोनीज़ है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, उसके आसपास के जितने भी जो गाँव हैं, अगर लगभग कम से कम 5 गाँव को, समूह को, उस एरिया को डेवलप्ड करना है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान अच्छे सुचारू रूप से चलता रहे फ्रेंड। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पूछेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये सब हम लोग को नहीं देखना है। फिर हम लोग को सोफी की रिपोर्ट देखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसको आप सोफी बोल सकते हैं फ्रेंड, जो कि इसकी ये भी एक प्रकार का रिपोर्ट है, जैसा कि मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले एक और रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया था। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो एक संगठन के द्वारा नहीं, तकरीबन 5 संगठन के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे कि आप नंबर 1 में देख सकते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद रखने चाहिए, आपके एग्जाम्स में पूछेंगे। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा पूछा जाए बताया जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO
द्वारा। ये पांचों सदस्यीय टीम है जो कि इस रिपोर्ट को निकालती है। इस रिपोर्ट का सिंपली यही है कि गरीब जो गरीब आदमी है उसको अगर भोजन नहीं मिलता है तो उसको प्रतिदिन कितना उसका क्या क्या आंकड़ा है वो इसके अनुसार निकाला जाता है। और जो भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गरीबी रेखा का मापदंड है इंडिया में, जैसे कि इंडिया को जो गरीबी डिफाइन करती है कि अगर कोई इंसान को या कोई व्यक्ति को अगर दो वक्त का खाना नहीं मिलता है तो इंडिया में वो गरीब है, ये आपका भारत में पैमाना है, उसमें पॉवर्टीज़ को इंडिया में कहा जाता है। और अगर आप अमेरिका का डिफिनेशंस, हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, अमेरिका का डिफरेंस देखें तो वहाँ अगर किसी के पास अगर कार नहीं है तो वो वहाँ पे गरीब के श्रेणी में आता है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट, अगला इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, वाई स्पाई वेयर स्टॉक स्टॉकर वेयर गेनिंग ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पैंडमिक, यानी कि जो स्पाई वेयर है और स्टॉकर वेयर है जो कि एक प्रकार से एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी वृद्धि हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड जैसे कि कोरोना वायरस का पैंडमिक दुनिया को हिट किया है, इसमें कारण सभी लोग लॉकडाउन में बंद है, जिसके कारण से इंटरनेट का जो यूज़ है, यूसेज है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके कारण से जो हैकर्स हैं जो और जो गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने भी इसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया है, जो कि आपको वायरस और मालवेयर से आपको इफेक्ट करते हैं और आपको बहुत ही सुरक्षा में धांधली बताया जाते हैं। तो ये आपको पूछेंगे कि ये ऐप्स किस प्रकार के काम करते हैं, स्पाईवेयर क्या होता है या स्टॉकरवेयर क्या होता है, क्योंकि इसकी जो अभी डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक प्रकार का इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए है। और ये अगला है फ्रेंड ब्लू पॉपी, ये एक प्रकार से आपको एक हिमालयी फूल है जो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, इसको हिमालय की रानी भी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे, ये चर्चा का कारण क्यों है, क्योंकि फ्रेंड हिमालय के निचले क्षेत्र में शैल युक्त हिमोडियो से लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी है जैसे देखिए कोई भी एग्ज़ाम में जो लुप्त हो रहा है विलुप्त हो रहा है उस पर कह के क्योंकि ये पॉइंट आपको डाला जाता है। ये इसको हिमालय की रानी पूछे कहा जाता है। उत्तराखंड से के कुमायूं से लेकर कश्मीर तक 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। एक प्रकार का बहुत अच्छा फूल है, जैसे कि आप यहाँ से स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, इसी को ब्लू पॉपी बोलते हैं, हिमालय की रानी। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि हिमालय की रानी किसे कहा जाता है तो आपको बताना है ब्लू पॉपी। और ये कहाँ पाई जाती है तो उत्तराखंड के कुमायूं से लेकर कश्मीर के 3,000 फीट से यानी 5,000 फीट तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ये क्यों ऐसे क्यों न्यूज़ में तो इस पूछेंगे तो आपको बताना है कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही हैं इसके कारण से। अगला फ्रेंड डेयर टू ड्रीम जो कॉन्टेस्ट है 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की तरफ से और जो पूर्व राष्ट्रपति जो उनका भी हाल ही में जो पुण्यतिथि हुआ, 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसमें सिंपली इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक प्रोग्राम है जिसमें कि 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत स्टार्टअप दिए जाएंगे और 5 लाख तक का व्यक्तिगत उपहार भी आपको दिया जाएगा। अगला एक है फ्रेंड मोबाइल ऐप मौसम, जो पूछा जाएगा कि एक मौसम क्या है तो एक प्रकार से मोबाइल ऐप है जो कि मौसम की जानकारी आपको दिया जाएगा। ये किसके इस द्वारा विकसित किया गया है तो ये देख सकते हैं विकास अमरुक रूपस संयुक्त रूप से EICRISAT यानी ICRISAT के द्वारा और DAY टीम के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी इस सारे चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, इसके द्वारा ये बताया गया है। अगला है फ्रेंड इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का मार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा ये कब लागू किया गया था, इसको 1986 में लागू किया गया था, ये आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशंस में। और फिर इसकी सदस्यता में इसके कितने सदस्य हैं तो आपसे पूछेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में कितने सदस्य हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें 25 सदस्य होते हैं जी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं वे वैज्ञानिकों और जो उच्चतम अनुसंधान के जो श्रेष्ठ व्यक्ति हों उनको इनका हेड बनाया जाता है। फिर अगला है फ्रेंड
इम्पॉर्टेंट है कि ट्यूटिंग टैडिंग स्ट्रक्चर जोन सूचर जोन सॉरी फ्रेंड्स सूचर जोन ये क्यों न्यूज़ में है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है ये जोन, एक प्रकार से जो आपका जो नाम थोड़ा सा दूसरे ढंग का है ट्यूलिंग सूचर जोन, जो कि TTSZ के नाम से जाने से फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये पूर्वी हिमालय का यानी कि आपका ब्रह्मपुत्र इलाके की एक हिमालय का हिस्सा है जहाँ से इंडो बर्मा रेंज शुरू हो जाता है। आपको मालूम होगा कि जो हिमालय है जो स्टीप एलिवेशन को लेकर एकदम शार्प टर्न लेकर आपको साउथ की तरफ मुड़ जाती है अरुणाचल प्रदेश के साइड में, जो कि आपको वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं, इंडिया का मैप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में दो अलग अलग गहराइयों पर मध्यम स्तर के भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं, ये प्रकार का बार बार वहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, तो ये आपको न्यूज़ में है। तब से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि TTSZ क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, तब बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में और जो इंडो बर्मा रेंज है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। या फ्रेंड अगला आपको देखना है ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है 29 जुलाई के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है। या फ्रेंड पहला टॉपिक हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं जो रूस भारत और चीन समूह यानी रशिया इंडिया चाइना का जो ग्रुप है उसमें, और फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं वैश्विक बाघ दिवस जो भी मनाया गया है, फिर यमुना के जल में अमोनिया का स्तर और ग्रीन एनर्जी परियोजना जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला हम लोग देखेंगे फ्रेंड नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की एस्ट्रोजन परियोजना, भारत सरकार ने फिर से 47 यानी 47 चीनी एफ से प्रतिबंध लगाया है उसके बारे में, राफेल जो फाइटर जेट सभी हाल में आए हैं इंडिया में, फिर पंपा नदी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड, तो इसको साथ आपको बने रहना है। जी हाँ फ्रेंड रसिया इंडिया चाइना जो ग्रुपिंग है एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1998 में तत्कालीन रूसी विदेश मंत्री येवगेनी प्रियमकोव के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था खास करके अमेरिकन डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था, जो कि अब हाल में क्या हो गया है टूटता हुआ दिख नज़र आ रहा है। वो कारण कि इंडिया के साथ चाइना का भी थोड़ा सा अभी तलखी चल रहा है, उसके रिलेशन सभी थोड़े से ख़राब चल रहा है इंडिया और चाइना का। फिर उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं आप रशिया में और अमेरिका में भी थोड़ी सी खटास चल रही है, तो इस पे अभी इसके बारे में हाल ही में न्यूज़ में है। भारत की विदेश नीति को निर्णायक रूप से पश्चिमी की ओर परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया था इसके संदर्भ में है। हालांकि पिछले महीने से हमारा जो ये है कि इंडिया के साथ अच्छा सा रिश्ता नहीं चल रहा। सबसे पहले जान लेते हैं RICS क्या है। जैसे कि मैंने बताया 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, इसमें अमेरिका इसका जो मेन मकसद था, इस समूह के स्थापना का उद्देश्य यानी मेन मकसद अमेरिका द्वारा निर्देशित विदेश नीति को समाप्त किया गया जाना, कि जो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो इम्पैक्ट है अदर नेशंस पे उसको समाप्त करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके बहुत सारे कारण थे कि बहुत ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे इसके कारण से, तो हमको उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखना है। इसके महत्व तथा क्षमताएं क्या थी जो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट में आप इसको ले सकते हैं। इसमें क्या कि इसमें वर्तमान स्थिति आप यहाँ आप क्वेश्चन पूछे हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो पहला देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो कि उस RICS के खिलाफ है। इसके बाद में चीन ने 2005 में किए गए समझौते को दरकिनार करते हुए इंडिया में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की है, जो कि भारत उसका हमेशा कट्टर विरोधी है, तो इसके कारण से भी पे जो ग्रुपिंग है इस पे असर पड़ा है। फिर वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के राज्य हरण अधिकरण के पश्चात अमेरिका और रशिया में भी ये तलखी बढ़ चुकी थी इसके कारण से। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछेंगे RICS क्या है, इसका संगठन इसको कब अपनाया गया था, इसके कारण क्या क्या थे, जो आपको इम्पोर्टेंट है आपको इसमें ध्यान रखना है, तो ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। G20 क्या है, फिर इसी में फ्रेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो की है ये RICS था, फिर इसके बाद ब्राज़ील को ऐड किया गया था, फिर उसी के बाद इसको ब्रिक नाम से आपने सुना होगा, इसे ब्रिक नाम से भी ब्रिक देशों के संगठन से भी
जाना जाता है, जो कि अब इसमें और साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था जो कि आपको याद रखना है। फिर अगला है फ्रेंड, हाई लेवल्स ऑफ अमोनिया इन यमुना वाटर। जी हाँ फ्रेंड, अमोनिया एक प्रकार से बहुत विषैला पदार्थ होता है, जो अगर किसी इंसानी शरीर या कोई भी जिंदा यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाए तो उसको तुरंत तुरंत ख़त्म करने की ताकत रखता है। फ्रेंड इसमें अभी रिपोर्ट आई थी कि यमुना नदी के जल में अमोनिया की उच्च स्तर 3 PPM का पता चला है। इस कारण से दिल्ली जल बोर्ड DJB, जिसको फुल फॉर्म दिल्ली जल बोर्ड है, उस उत्पादन जल उत्पादन क्षमता को 25% कम करना पड़ा है, जिसके कारण से वहाँ पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि अभी हाल ही में मैंने चर्चा किया, उसमें पीने के पानी के अमोनिया के अधिकतम जो स्वीकार्य सीमा है 0.5 mm। मैं सोच सकते हैं 0.5 और 3 PPM का कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी लगभग अढ़ाई गुना मतलब कि उसमें ज़्यादा है। तो ये अमोनिया के बारे में आपको बता दें तो एक प्रकार से ये अमोनिया का कारण क्या है, एक रंगहीन गैस होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है, जो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ये बहुत इसका जो गंध होता है बहुत अकार्बनिक और एक प्रकार का अलॉय होता है, जो कि हवा से भी बहुत हल्का होता है। इसका जो कंटामिनेशन है इसके कारण से इसमें बहुत ही इसमें जो अभी उसकी जो प्रोडक्शन है वाटर की जो सप्लाई है उसको 25% दिल्ली जल बोर्ड को कम करनी पड़ी है। ये क्यों आ गया है, क्योंकि देख सकते हैं दिल्ली पानी की 70% आवश्यकताओं के लिए हरियाणा पर निर्भर है। आपको मालूम होना चाहिए और हरियाणा पंजाब एक प्रकार के एग्रीकल्चरल हब है इंडिया के, जो खुद ही इसके कारण से झूम रही है। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए अभी हाल ही में अमोनिया का जलस्तर कहाँ किस राज्य में ज़्यादा बढ़ गया है। फिर उसके बाद पूछेंगे कि यमुना नदी के बारे में पूछेंगे, तो यमुना नदी गंगा नदी की एक बहुत बड़ी सहायक नदियों में से एक है, जो कि यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दिल्ली से प्रवाहित होकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके गंगा से जाके मिल जाती है, जिसको हम लोग संगंगा या सरस्वती का संगम भी मिलते हैं। इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो आप देख सकते हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछेंगे कि बताओ इनका जो सहायक नदियां हैं यानी ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या क्या कौन कौन है, तो आपको लिखना है, जब को टिक करना है। अब चंबल, सिंध, बेतवा और केन जो कि इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं। अगला है फ्रेंड ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, पूछेंगे एक प्रकार का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मिज़ोरम में इस्टेब्लिश किया गया, उसको लॉन्च किया गया मिज़ोरम इस्टेब्लिश करके। इसमें जो मेन है कि जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी जो उसके साथ इमिशंस होते हैं जो कार्बन और जो बायो प्रोडक्ट को जलाया जाते हैं, जैसे कि काउ वेस्ट को हो गया उसको जलाए जाते हैं, इसके कारण से क्या होती है जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने के लिए ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जारी किया है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे ग्रीन एजी प्रोजेक्ट कहाँ पे लागू किया गया है और कितने राज्यों में इसको लागू किया गया है, तो ये मिज़ोरम के साथ साथ 5 राज्यों में लागू किया गया है, कि जैसे कि मिज़ोरम के अतिरिक्त अन्य राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, यानी ये 5 राज्यों में लागू किया गया है, जो कि आप इसको मैंने इसका आपका इसको नाम बताया है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट इसको आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ फ्रेंड, फिर अगला है ये आपको परियोजना के बारे में है, तो ये आपके एग्जामिनेशंस में शायद ही पूछे जाएं, आपको सिंपली पूछेंगे कि कौन से राज्यों में लागू किया गया है, तो आपको 5 राज्यों के नाम बताने हैं और इसको इस्टेब्लिश कहाँ किया गया है, तो मिज़ोरम में किया गया है। तो इसके अनुसार अगला है फ्रेंड ग्लोबल टाइगर डे, वैश्विक बाघ दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसको कब स्टार्ट किया गया था, 2010 के रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में इसकी घोषणा की गई थी। तो आपसे पूछेंगे कि टाइगर समिट स्टार्ट किया गया था, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाने का बताया गया था, तो 29 जुलाई को यानी 2010 से इसको हम लोग प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में बाघ के सर्वेक्षण के 2018 रिपोर्ट जारी की थी 2018 में, जिसकी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार कि भारत दुनिया के, आपको एक प्रकार से अगर आप इंडियन हैं तो आपको एक प्रकार से गर्व होगा कि दुनिया के 70% जो बाघ हैं टाइगर हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। जी हाँ भारत में क्वेश्चन में पूछेंगे कुल बाघों की संख्या कितनी है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक जो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटका, उसके बाद उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटका में 524, उत्तराखंड में 542 स्थान है फ्रेंड। तो इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आए गए थे। फिर इसके बाद अखिल भारतीय बाघ आकलन 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2018 में इसको लागू किया गया था, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स थी इसको दिया गया था, इसकी रिपोर्ट को लिख दिया गया था। फिर इसमें जो भारत क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है टाइगर को बचाने के लिए, अभी भी भारत में जो बाघों की संख्या है बाघ बहुत कम है। बहुत इसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है कि 1973 में लॉन्च किया गया था, जो कि आपको क्वेश्चंस में पूछेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि टाइगर से रिलेटेड है, आपको पूछेंगे कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। फिर आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं NTCA के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो भारत भी लागू किया है बाघ को बचाने, टाइगर को सेफ्टी प्रोवाइड करने में। फिर अगला वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ऑफ काउंसिल यानी GTIC का भी गठन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल आता है तो उसके रिलेटेड जितने भी अदर बद जो हैं उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। यही एक अच्छा करंट अफेयर याद करने के स्टूडेंट का पहचान होता है फ्रेंड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। देखिए आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में कैसे बाघों की संख्या बढ़ गई है। 2006 में 1411 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 2967 हो चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड। यहाँ से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर, असम में 190 बाघ हैं, आप देख सकते हैं उत्तराखंड में है, जो कि इंडिया का मैप पे आपको बताया जा रहा है। तमिलनाडु, केरला में भी इसके अच्छे हैं। तो इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे GTIC क्या है, NTCA क्या है, इस आपको पूछेंगे। फिर अगला है फ्रेंड आपको एस्ट्रोजेन प्रोजेक्ट, ये क्या है, एक प्रकार से शिक्षा विदो जो कि जो एजुकेशंस के जो हेड हैं, जो कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं उसके लिए है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एक वंशावली है जो कि तैयार करी जा रही है, ये पूछेंगे एस्ट्रोजेन इसके में कौन से क्षेत्र के वैज्ञानिक इसमें क्या करने वाले हैं। तो विषय पर डॉक्टर प्राप्त करने वाले अथवा शोध प्रबंधों को निर्देशित करने वाले शिक्षा वंशावली तैयार कीजिए। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी तथा इसके ऐतिहासिक खगोल विज्ञान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो पूछेंगे कि एस्ट्रोजेन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि आपको बता देना है एकदम सही सही। इस परियोजना में पूर्वजों के बारे में सोचिए, तो अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है फ्रेंड नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि टाइगर से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो ये क्वेश्चन सटाक से बनेंगे यहीं पर फ्रेंड कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या है। तो NSTR यानी नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, जो कि 5 जिलों में, क्योंकि पहले अब आंध्र प्रदेश हुआ करता था, अब तेलंगाना के कारण 5 जिलों में विस्थापित है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसकी सीमाएं हैं, जो कि नल्लामला पहाड़ियों में स्थित है, जो कि बहुत ही कृष्णा नदी इस अभ्यारण में 130 किलोमीटर की दूरी तक बहती है, जो कि पूछेंगे कि कौन सी नदी NSTR में बहती है। तो फिर अगला है फ्रेंड, फिर से 59 चीनी ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन करने के बाद भारत सरकार ने फिर से, जो भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, 47 नए चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए है। यह निर्णय जो है 59 चीनी ऐप्स के प्रतिबंध लगाने के बाद करीबन एक महीने के बाद लिया गया है। इसकी जो मेन कारण है, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम होगी, इसमें डेटा इन्फॉर्मेशन लीक करने के कारण और बहुत सारे सिक्योरिटी, भारत की अखंडता और संप्रभुता और भारत की रक्षा के हित में मद्देनजर इसके हवाला देते हुए भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है। फिर अगला है फ्रेंड राफाल फाइटर जेट्स, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर आप आर्मी का या फिर कोई भी आर्मी का डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। भारत ने जो राफाल विमान खरीदे हैं वो कहाँ से मंगा है, तो फ्रांस सरकार से समझौते पर 23 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर हुआ था, उसके बाद जो हमारा जो ये अभी हाल में
अभी आया है, यह फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा निर्मित है, जो कि ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि अभी इंडिया में इसकी डिलीवरी 5 की लगभग हो चुकी है और इसमें और अभी आने बाकी है। और कहाँ उतरा गया था, तो अंबाला एयरपोर्ट पे, सॉरी अंबाला एयरबेस पर पहुँचा गया था। अगला है फ्रेंड पंपा नदी, इसको इसके बारे में जरा जान लेते हैं। पंपा नदी केरल के पेरियार भरत पूजा के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो पूछेंगे पंपा नदी कहाँ है, केरल में है, पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास बहती है। ये भगवान अय्यप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर के पंपा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ फ्रेंड, सबरीमाला टेम्पल जो बहुत हाल फिलहाल अभी न्यूज़ में भी था, तो इसी के कारण से शायद इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपको ये याद रखने हैं। ये केरल में है भगवान अय्यप्पा, जो कि सबरीमाला के जो मुख्य देवता हैं उनके, तो उनका जो मंदिर है इसी पंपा नदी के किनारे है, और इसको दक्षिणी भागीरथी और बारिश नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो इसके जो अन्य नाम हो गए दक्षिणी भागीरथी, दक्षिणी भागीरथी और बारिश नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड, नई शिक्षा नीति या फ्रेंड न्यू एजुकेशन रूल जो है, एजुकेशन पॉलिसी जो लगाई गई है, जो तकरीबन 34 साल के बाद लाई गई है, जो कि अभी जो अगला सेशन जो 21-22 से जो कि लगभग स्टार्ट होने का बात है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को फिर से अमेंड करके यानी प्रतिस्थापित करेगी, जो कि एक प्रकार से 34 साल यानी सदी का 21वीं सदी में सबसे बड़ा जो एजुकेशन चेंज है, जो कि इंडिया में दिखा गया है, जो कि इसके जो जो मेन अध्यक्ष हैं, किनकी अध्यक्षता में हुआ है तो ये पूछेंगे आपसे, जो कि प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं, पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित भी किए गए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बताया गया इसको लागू किया गया है। तो ये पूछेंगे कि किसकी अध्यक्षता में इसको पारित किया गया है, तो आप इनका नाम डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लागू किया है। इनके बारे में जो इसका जो डेलीगेशन है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसको बता चुके हैं, इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं, मैं इसको अभी और इस पर अभी अमेंडमेंट्स जो आएंगे इसको मैं अभी अच्छे से नहीं बता सकता हूं, जो कि मुझे जहां तक पता है इसमें अभी मैं इसके बारे में अभी शोधन अभी चल ही रहा है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वही इसके पे चर्चा की जाएगी। इसमें सिंपली है जो GDP का 6% हिस्सा आपको बढ़ा के खर्च किया जाएगा, फिर इसको अब जो MHRD का नया नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। डिजिटल शिक्षा को क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इस पैंडेमिक के चलते फ्रेंड स्कूली शिक्षा में 3 से 6 वर्ष तक की आयु वाले प्री प्राइमरी अपने मदर टंग यानी जो अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ सकते हैं। आपको 6ठी क्लास से ही इसमें क्या किया जाएगा, रोजगारोन्मुख शिक्षा यानी रोजगार के लिए कोडिंग वगैरह आपको जिस संकाय में आपको किया जाएगा वो आप उसमें बच्चा पढ़ सकता है, और जो 10+2 सिस्टम था उसको हटा दिया गया है वगैरह वगैरह, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इसमें और इस पर मैं अभी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ फ्रेंड अगला है ट्रस्ट सेटअप टू बिल्ड मॉस्क इन अयोध्या, जो ट्रस्ट जो कि जो 9 नवंबर को जो राम जन्मभूमि का जो फैसला आया था उसमें जो 5 एकड़ की जो जमीन दी गई थी मुस्लिम पक्ष को, उसमें बताया गया है कि उसमें उसका जो मॉस्क बनाने का, जो मस्जिद बनाने का जो ट्रस्ट है उसमें क्या किया गया, उसका ट्रस्ट सेटअप कर दिया गया है, जो कि 5 एकड़ का भूखंड जिसको सौंपने के बेस्ट इस ट्रस्ट में पूछे हैं कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं, जो कि आपको ट्रस्ट के सचिव अनुसार इसके सब अंतर में आते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन से पूछेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हाँ फ्रेंड टर्की में नए सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दे देगी है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से देश में हाल ही में सोशल मीडिया का नया जो कानून है पारित किया गया है, तो आपको आंसर होना चाहिए टर्की। इसमें क्या बहुत सारे जो एप्लीकेशन सरकार को जो सोशल मीडिया से ट्विटर फेसबुक पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकती है, उसके डेटा को हाफ कर सकती है, बहुत सारे, तो आपको सिंपली एक क्वेश्चन इससे बनेंगे फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है फ्रेंड जो ऑस्ट्रेलियाई जो सिटीजनशिप है उसमें नागरिकता लेने के लिए भारत जो है सबसे बड़ा प्रवासी बन चुका है। जी हाँ फ्रेंड, वर्ष 2019-20 में 38,000 से अधिक भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त की है, जो कि तकरीबन 60% उसमें क्या है कि वृद्धि यानी डेवलपमेंट उसमें दिया गया है। इसके पश्चात जो ब्रिटेन में है उसमें 25,000 लोगों ने
और चाइना के 14,000 लोगों और पाकिस्तान के लगभग 8,821 लोगों का स्थान है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चर्चित स्थल पोर्ट लुइस, ये क्यों न्यूज़ में है आपको मालूम होना चाहिए। ये मॉरिशस जो कि इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है, जो भारत का बहुत ही एंसेस्टर्स भी वहाँ बहुत है, भारत के हैं, इसकी राजधानी शहर है पोर्ट लुइस, आपको याद रखना चाहिए। और ये जो फ्रांस का उपनिवेश था यानी कॉलोनी, और जो उपनिवेशवाद के लिए वास्तुकला के लिए जाना जाता है, ये क्यों न्यूज़ में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ, आपको याद रखना चाहिए, उसके जो मॉरिशस के क्वेश्चन में पूछेंगे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो प्रविंद जुगनॉथ, जो कि भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित पोर्ट लुइस में नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया तो आपको ये क्वेश्चंस में जरूर पूछेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं फ्रेंड। वहाँ एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, इसके कारण से ये न्यूज़ में है। आप यहाँ से इस मैप के अनुसार देख सकते हैं, ये इंडियन ओशन में मॉरिशस है, पोर्ट लुइस देख सकते हैं आप, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एग्ज़ाम्स में इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइए पोर्ट लुइस के। और ये एक पर इंडियन ओशन में है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देख सकते हैं 31 जुलाई 2020 की न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो देख सकते हैं हम लोग इसमें देखेंगे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वास्तुकला के प्रतिहार शैली जो कि गुर्जरा प्रतिहार है, जो कि आप हिस्ट्री में अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो शायद आपको मालूम होगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रिजर्वेंस, जो नासा का जो मंगल मिशन है उसके बारे में, और फिर जो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस है जो सेकेंड नंबर में है, आप उसको देखेंगे हम लोग इसमें, और फिर देखेंगे IMICRST के बारे में कि ये क्या है फ्रेंड। तो चलिए इसको स्टार्ट सबसे पहले फ्रेंड, प्रतिहार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी उसकी जो शैली है, ये क्यों न्यूज़ में है हाल में, हुआ क्या कि राजस्थान में एक भगवान शिव की मूर्ति को क्या किया गया, चोरी कर लिया गया। चोरी करने के बाद उसको कहाँ से प्राप्त किया गया है, उसको ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ की जो पुलिस है, जो अथॉरिटी है, वो प्रदान की है। तो ये अभी न्यूज़ में क्योंकि है राजस्थान से, देखिए ये मूर्ति आपको दिख पा रही होगी, ये गुर्जरा प्रतिहारा की भगवान शिव की बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है, दुर्लभ मूर्ति है, जो कि चोरी हो गई थी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ब्रिटेन सरकार वापस कर रही है। ये कि इसमें जो प्रमुख बिंदु है, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो कि यह प्रतिमा मूल रूप से राजस्थान के बरौली में घाटेश्वर मंदिर में स्थापित थी, जो कि चोरी हो गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं जटा मुकुट तथा त्रिनेत्र सहित चतुर्भुज रूप में नटराज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली मानी जाती है भगवान शंकर की, और इसमें 4 फीट ऊंची है। यह भगवान शिव की प्रतिहार शैली में दुर्लभ चित्रण है, ये बहुत ही एक प्रकार से दुर्लभ है, इसी कारण से ये अभी हाल में न्यूज़ में है। तो अगला इसमें देखते हैं फ्रेंड, इसके प्रतिहारा साम्राज्य, अब क्योंकि अब जैसे कि ये भी न्यूज़ में आ गया, अब इसकी हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री बुक्स में, आपकी इंडियन हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि गुर्जरा प्रतिहारा जैसे कि मैंने बताया राज्य क्षेत्रों के प्रतिहार साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यह 7वीं शताब्दी यानी दिल्ली सल्तनत के पहले और 11वीं शताब्दी के बीच में भारत के अधिकांश क्षेत्र पर शासन किया करते थे। इन्होंने अरबी सेनाओं का जमकर मुकाबला किया था और सिंधु नदी के पूर्व से बढ़ने में रोका था। ये नागभट्ट प्रथम ने, जिस जो क्वेश्चंस पूछेंगे, नागभट्ट प्रथम ने खलीफा शासनकाल में भारत पर हुए आक्रमण के दौरान जुनैद और तामीन को नेतृत्व वाली अरब सेना को पराजित किया था। तो पूछेंगे इसके जो नागभट्ट कौन थे, कहाँ से रिलेटेड थे, कौन से समुदाय से रिलेटेड थे, तो पूछेंगे आपसे फिर कहाँ की मूर्ति चोरी हुई थी, कौन से इलाके की थी, राजस्थान की थी, कहाँ की थी, आपसे सर अब पूछेंगे। इसकी वास्तुकला देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंस है, आकर्षक गुर्जरा प्रतिहार आकर्षक मूर्तियों, नक्काशीदार पट्टी कथाओं तथा खुले मंडप मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, जो खुले मंडप मंदिर होते हैं जाने जाते हैं। इसका सबसे जीता जाता उदाहरण खजुराहो टेम्पल, जो कि आपको इंडिया में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपसे एक सवाल ये भी बनेगा कि खजुराहो टेम्पल कहाँ है, तो आप इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कोई भी दिक्कत हो आपको वीडियो के एंड में, आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाएं और इसे आप जरूर कमेंट करें,
जो कि अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुकी है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे खजुराहो के मंदिर के बारे में, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या है, कि क्या होती है वस्त, फिर गुर्जरा प्रतिहारक क्या होता है, जो कि अब आपको सब चीज़ें पूछेंगे। अगला है फ्रेंड वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस प्रति वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे कब स्टार्ट किया गया था फ्रेंड, इसे 2013 में यूनाइटेड नेशंस असेंबली के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसको हिंदी में आप संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में भी कह सकते हैं। यह विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 2020 के थीम क्या है, तो पूछेंगे कि कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसकी जो थीम है आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखी हुई, कमिटेड टू द क्लॉज, इसके जो क्लॉज है वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसकी जो थीम है जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन। अगला जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड प्रिजर्वेशन, जो एक नाम है नासा का मंगल मिशन का, जो कि आपको नासा का जो मंगल मिशन है अभी हाल ही में उसको लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का फुल फॉर्म है आपको याद रखने चाहिए, और नेशनल यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के शक्तिशाली रॉकेट एटलस 5 और मंगल 2020 प्रिजर्वेंस रोवर को प्रक्षेपित किया गया है। ये इस साल का, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये फ्लोरिडा के कैंप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। ये इस साल का यूनाइटेड अरब अमीरात और का मिशन मंगल होप और चीन के तियानवेन 1 अंतरिक्ष यान के बाद इस महीने मंगल ग्रह के लिए तीसरा अभियान है, जो इस महीने जो अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात से ने यूएई ने भी अपना मंगल मिशन होप को भी भेजा है और चीन के तियानवेन फर्स्ट। क्वेश्चंस में पूछेंगे आपसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का क्या नाम है, तो उसका नाम होप है, फिर चाइना का तियानवेन नाम है, और जो प्रिजर्वेंस है परसेवेरेंस है, जो कि नाम जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यानी नासा का है। तो ये आपसे पूछेंगे, ये जो आपको प्रिजर्वेंस जो रोवर है, जैसा कि चंद्रयान 2 जो इंडिया में भी लॉन्च किया गया था इंडिया की तरफ से, उसका जो 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर उतरेगा, जो कि बहुत ही, और इसका जो लैंडिंग साइट है जेजरो क्रेटर, जो क्रेटर पर खाई में ये उतरेगा, जो कि ये 7 उपकरणों से लैस है। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना इसका हैवी इमेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं चंद्रयान 2 जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था, जो बदकिस्मती से क्रैश हो गया था, उसकी भी लगभग जो रोवर का जो साइज होता है ऐसा ही होता है। तो इसमें जो 7 पार्ट आप देख सकते हैं, रिमफैक्स, मॉक्जी, सेरलॉक, मीडिया, सुपर कैम, मेस्ट कैम, जेड पिक्सल, जो कि अन्य अन्य चीज़ें हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है इस पर भी आ सकते हैं, यह तस्वीर रूपी क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला फ्रेंड AIM क्रेस्ट, जो कि इसका फुल फॉर्म है अटल नवाचार मिशन, एक प्रकार से ये AIM CREST, जो कि आपको याद रख रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये जो फाउंडेशन है, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं उनके, और जो भारत सरकार के द्वारा भी ये टाई अप करके इसको लगाया गया है। इसका जो मेन जो मकसद है, इनक्यूबेटर को एस्टैब्लिश करके उसको बढ़ावा करके प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट इंडिया में लाने का। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड, ये आपसे पूछेंगे। अगला जो लास्ट में अब फ्रेंड हम लोग आ चुके हैं, जो कि 1 अगस्त का है, जो कि आप देख सकते हैं यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जो कि आप देख सकते हैं CSIR की तरफ यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के माध्यम से दिया जाता है। ये पुरस्कार CSIR के विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों, जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, भूमंडलीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और भौतिकी विद्या में उनकी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद दिया जाता है। यह पुरस्कार एक प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अभी हाल ही में दिया गया है। जो कि आपको पूछेंगे कि CSIR जो है वो क्या, मतलब कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसके तरफ से दिया जाता है, तो आपको ये याद रखने हैं। अगला है जो SKOH स्कॉच अवार्ड, जिसको देख स्कॉच वो गोल्ड अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री MOTA के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो IT सक्षम छात्रवृत्ति है, जो कि आदिवासी छात्रों को मिलता है।
उसके सशक्तिकरण और डेवलपमेंट के दिया जाता है। इसके अवार्ड्स के बारे में अगर जानकारी है तो यह 2003 में स्टार्ट किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न एक प्रकार से गवर्नमेंटल है, ये किसी स्वतंत्र संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त जो अदर पर्सन जो लगे हुए हैं उनकी कार्यशैली और क्षमता के अनुसार इसमें दिया जाता है। इसके क्षेत्र आप देख सकते हैं, प्रशासनिक, प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट परिवर्तन प्रबंधन, कॉर्पोरेट नेतृत्व निगम आदि के संस्थानों के जो हेड होते हैं उसमें जो अच्छे कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। यह पुरस्कार संस्थानों, संगठनों और व्यक्तियों दोनों को प्रदान किया जाता है। किसी संस्थान को भी दिया जाता है, संगठन या व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। अगला है महात्मा गांधी सेतु, जो कि आप जानते हैं बिहार राज्य के पटना जिला यानी पटना राजधानी है बिहार की, उसमें पटना से लेकर के हाजीपुर के बीच गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण के दिशा में बना पुल है। इसकी लंबाई जो लगभग है 5,750 मीटर है। ये भारत का तीसरा सबसे लंबा पुल है, जो कि आपको नदी पुल है, सबसे लंबा नदी पुल है भारत का तीसरा, जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। क्यों चर्चा में है? क्योंकि फ्रेंड अभी इसमें जो इसके पश्चिमी किनारे पे इसके यातायात जो गंगा में बाढ़ आई हुई थी उसके कारण से अभी उसको खोल दिया गया था, सॉरी बंद कर दिया गया था, जिसको अभी अब उसका पश्चिमी किनारे को क्या कर दिया गया है, खोल दिया गया है। अगला है फ्रेंड, जो आज 1 अगस्त है और फिर 1 अगस्त को आप देख सकते हैं मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसमें इसे 3 तलाक बार ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि पिछले बार ट्रिपल तलाक मैटर को ख़त्म करने के बाद इसको मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में इसको राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। फिर अगला है फ्रेंड, आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, जो कि इस वर्ष 1947 में स्टार्ट किया गया था, जो कि आर्थिक सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक द्वारा स्थापित किया गया था। तो पूछेंगे UNECE किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इकोसॉक के द्वारा इसको बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय उद्योगों में से एक है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है संपूर्ण यूरोपीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना यानी यूनिकनेस को बढ़ावा देना है। इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया के 56 सदस्य देश शामिल है। तो आपसे पूछेंगे कि इसमें यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप में कितने देश शामिल है, तो इसमें 56 सदस्य देश शामिल है। और ये किसके द्वारा लागू किया गया है, तो इकोसॉक के द्वारा लागू किया गया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने चाहिए। इसी के साथ फ्रेंड आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूले फ्रेंड। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले हफ्ता इसी धमाकेदार जोरदार, आप इसको तैयारी को करते रहें फ्रेंड, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में बताएं और इसको सब्सक्राइब करवाएं फ्रेंड। बहुत ही प्रोग्रेसिव चैनल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको सारी सटीक जानकारी के साथ आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है फ्रेंड। तो इसके साथ जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखें, इसको वीडियो को पूरा जरूर देखें, सर मित्रों को बताएं, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन SSC CGL SSC और जो UPSC NDA स्टेट PCS बाकी सारी जो तमाम आर्मी के एग्जामिनेशन, डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, करंट अफेयर एक इंडेसिबल पार्ट है जो कि आपको याद रखने चाहिए।